नेक्स्ट नेक्स्ट आपका मेथड है फिफ्थ मेथड। तो इसमें फिफ्थ मेथड में क्या है कि अगर राइट हैंड साइड में आपका एक्सपोनेंशियल एल्जेब्रिक इनटू राइट हैंड साइड में आपके दो फंक्शन है, एल्जेब्रिक इनटू साइन ए एक्स या एल्जेब्रिक इनटू कॉस ए एक्स, अगर ये फंक्शन आते हैं तब यहां पे आपका फिफ्थ मेथड अप्लाई होगा। और फिफ्थ मेथड के लिए हम काम क्या करते हैं, आपने पढ़ा होगा कि e to the power i थीटा, ये क्या होता है, cos थीटा प्लस i sin थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि cos थीटा जो है वो आपका रियल पार्ट है, रियल पार्ट ऑफ e टू दी पावर i थीटा, और sin थीटा जो है वो आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू दी पावर i थीटा। ये आपने इंटरमीडिएट में पढ़ा है कि अगर e की पावर i थी, अगर नहीं पढ़ा है तो आज से देखिए कि e की पावर i थीटा क्या होता है, cos थीटा प्लस i sin थीटा, जहां पे cos थीटा जो होता है रियल पार्ट होता है e की पावर i थीटा का, इसी तरीके से sin थीटा जो होता है इमेजिनरी पार्ट है e की पावर i थीटा का। तो यहाँ पे हम काम क्या करते हैं कि यहाँ पे चाहे ये हो चाहे ये हो, तो अगर कोई आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/ फंक्शन ऑफ डी है और इनमें से कोई एक है, जिसे मान लेते हैं x की पावर n sin a x है, तो हम यहाँ पे काम क्या करेंगे कि sin a x को लिख सकते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू दी पावर आई एक्स। हम यहाँ पे काम क्या कर सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू दी पावर आई एक्स। अब ये आपका क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और ये आपका क्या है, एल्जेब्रिक है। तो अगर एक्सपोनेंशियल और एल्जेब्रिक फंक्शन प्रोडक्ट में होते हैं तो उसमें फोर्थ मेथड अप्लाई होता है। इसका मतलब कि हम जैसे ये आ गया तो अप्लाई फोर्थ मेथड। फोर्थ मेथड में क्या है कि फोर्थ मेथड में है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू दी पावर आई एक्स को कॉमन ले लेंगे, इट मींस एक्सपोनेंशियल को बाहर ले लेते हैं और जहां जहां d है वहां वहां d प्लस आई ए रख देते हैं, क्यों, x का कोएफिशिएंट जो i है और ये x की पावर n। अब इसके अंदर जो अप्लाई होगा, अप्लाई थर्ड मेथड जो कि आपने पढ़ा है। अब थर्ड मेथड अप्लाई करने के बाद, यहां पे क्या होता है कि ये जो इमेजिनरी है नीचे का पार्ट, यानी डिनोमिनेटर में जो इमेजिनरी है उसको इलिमिनेट होना होता है, और उसको इलिमिनेट करके इलिमिनेट किसके अकॉर्डिंग करेंगे, आफ्टर, फिर इलिमिनेट द आई बाई आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1, यानी इसकी मदद से हम इलिमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो अब इसको इलिमिनेट करने के बाद फिर इसको ओपन कर देंगे हम, इसको इलिमिनेट करने के बाद फिर इसको ओपन करेंगे e टू दी पावर आई एक्स को, क्या है आपका, cos ए एक्स प्लस आई साइन ए एक्स, ठीक है। अब इलिमिनेट करने के बाद इसको ओपन करें, फिर इसमें इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चूंकि इमेजिनरी पार्ट क्या है, इमेजिनरी पार्ट उसको कहते हैं जिस पार्ट में आई है, तो जब मल्टीप्लाई करके जिस पार्ट में आई होगा वो पार्ट लिख लेंगे
और वही आपका पी आई हो जाएगा। और अगर आप रियल पार्ट लेते हुए चल रहे हैं तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद और जिस पार्ट में आई नहीं होगा, क्योंकि कॉस थीटा क्या है, ये है, इसमें आई नहीं मल्टीप्लाई है, तो जिसमें आई नहीं मल्टीप्लाई है और वो आपका क्या हो जाएगा, वो आपका पी आई हो जाएगा। ठीक है, अब इस पे एक न्यूमेरिकल हम आपको करवाते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर वन, लिखा है सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस टू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू दी एक्स साइन एक्स, ये है। तो लिखेंगे हेयर, इसको लिख सकते हैं डी स्क्वायर वाई माइनस टू डी वाई और प्लस वाई इज इक्वल टू दी एक्स साइन एक्स, यानी हो जाएगा डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन वाई इज इक्वल टू दी एक्स साइन एक्स। तो लिखेंगे हेयर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज एम स्क्वायर माइनस टू एम प्लस वन इज इक्वल टू दी जीरो, यानी m माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू दी जीरो, यानी m इज इक्वल टू दी वन कॉमा वन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा आपका c1 प्लस सी टू एक्स ई टू दी पावर एक्स। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? यस सर। आप पी आई निकालने के लिए क्या काम करेंगे, लिखेंगे ये हो जाएगा वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन इंटू एक्स साइन एक्स, यानी अब पी आई देखिए ये हो जाएगा पी आई इज इक्वल टू दी ये हो जाएगा वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन और एक्स साइन एक्स। अब यहाँ पे एलजेब्रिक इंटू साइन एक्स है, इसका मतलब इसमें फिफ्थ मेथड अप्लाई होगा। तो फिफ्थ मेथड में काम क्या है कि साइन या कॉस है उसको एक्सपोनेंशियल में लिखेंगे, समझ रहे हैं? तो जैसा कि अभी हमने आपको बताया है कि अगर साइन ए एक्स है तो इसको लिखे इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू दी पावर आई एक्स, और ये कहां से आता है, वो यहां से लेते हैं। तो अब इसके बाद यहां पे हो जाएगा आपका वन अपॉन डी स्क्वायर माइनस टू डी प्लस वन एक्स, और ये हो जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू दी पावर आई एक्स। अब अगर हम देखें तो एक्सपोनेंशियल है, एलजेब्रिक है, इसका मतलब इसमें फोर्थ मेथड अप्लाई हो जाएगा। तो फोर्थ मेथड में आप क्या काम करते हैं कि एक्सपोनेंशियल को बाहर ले लेते हैं। तो हमने एक्सपोनेंशियल को बाहर ले लिया है और जहां जहां डी है वहां वहां डी प्लस आई कर दिया है। तो डी प्लस आई का होल स्क्वायर माइनस टू डी प्लस आई और प्लस वन इंटू एक्स, अब इसके अंदर का सॉल्व करेंगे तो देखिए लिखेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू दी पावर आई एक्स, और इसको लिखेंगे डी स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर और प्लस टू डी आई माइनस टू डी माइनस टू आई और प्लस वन।
जिसमें आई स्क्वायर माइनस वन होता है, ये कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू द पावर आई एक्स, और ये हो जाएगा वन अपॉन डी स्क्वायर और प्लस टू आई माइनस वन टू आई माइनस वन डी और माइनस टू आई, और ये हो जाएगा इन टू एक्स। यहां तक समझ में आया? देखिए और बताइए। यस सर। अब यहाँ पे काम क्या करते हैं, यहाँ पे ये हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू दी पावर आई एक्स। अब इसमें आइए, इसमें काम क्या करते हैं कि अलजेब्रिक अगर फंक्शन है तो क्या करते हैं, सबसे पहले कांस्टेंट देखते हैं, और अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट के आगे कांस्टेंट को कॉमन लेंगे, और अगर कांस्टेंट के आगे माइनस साइन लगा है तो उस माइनस साइन को भी कॉमन लेंगे, क्योंकि हमको 1 प्लस एक्स का होल इनवर्स या 1 माइनस एक्स के होल इनवर्स में रिड्यूस करना होता है। इसलिए यहाँ पे क्या है, माइनस टू आई को हम कॉमन ले लेंगे क्योंकि यही है कांस्टेंट। तो इसको जब हमने कॉमन लिया माइनस टू आई को, तो ये हो गया 1 माइनस डी स्क्वायर और प्लस टू आई माइनस वन डी अपॉन 2y। ठीक है, ठीक है। अब इसको ऊपर ले लेंगे, यानी आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू दी पावर आई एक्स माइनस टू आई, और ये हो जाएगा वन माइनस डी स्क्वायर प्लस टू आई माइनस वन डी अपॉन टू आई का होल इनवर्स इन टू एक्स। अब x की जितनी पावर होगी उतने टर्म तक एक्सपेंड होगा, तो ये हो जाएगा आपका इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू दी पाई x अपॉन माइनस टू आई, इसको ओपन कर देंगे तो ये 1 माइनस x का होल इनवर्स मिल गया, तो 1 प्लस x प्लस स्क्वायर, x की पावर है 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस टू आई माइनस वन अपॉन टू आई, और ये हो जाएगा एक्स, ओपन कर दिया। अब ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू दी पाई आई एक्स अपॉन माइनस टू आई, एक्स को ले लिया अंदर, और ये हो गया जीरो, और ये हो गया टू आई माइनस वन डी एक्स हो गया वन अपॉन टू आई। टू आई का एलसीएम ले लिया, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू दी पावर आई एक्स अपॉन माइनस टू आई, और ये हो जाएगा टू आई एक्स प्लस यहाँ पे टू टू हो जाएगा कैंसिल, टू टू कैंसिल हो गया आपका आ जाएगा आई एक्स और प्लस आई माइनस वन अपॉन आई, यानी आपका ये माइनस, ये हो जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ ई टू दी पावर आई एक्स, और इसको हो गया आपका आई
प्लस वन इंटू एक्स और माइनस वन ये आई कॉमन लेंगे एक्स प्लस टू लेंगे ये आई हम कॉमन ले लेंगे ये आई हम कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस वन और माइनस वन। अब ये माइनस टू आई है और आई है तो आई आई है मल्टीप्लाई होगा तो आई स्क्वायर हो जाएगा यानी अपॉन हो जाएगा टू। अब यहाँ पे मैं ये कह रहा था कि यहाँ पे i जो है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, उसको इलिमिनेट कर देना है। तो यहाँ पे अपने आप इलिमिनेट हो गया है। कभी कभी यहाँ पे i नहीं होगा तो इसको वन अपॉन i को माइनस i लिख देंगे, ठीक है। तो इसको आपका डिनोमिनेटर में इसको i को इलिमिनेट होना है। अब हम e की पावर आई एक्स को ओपन कर देंगे, e की पावर आई एक्स को ओपन, ये 1/2 है ही है, 1/2 को ले लिया बाहर, तो लिखा इमेजिनरी पार्ट ऑफ, अब इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स प्लस आई साइन एक्स और ये है आपका आई एक्स प्लस वन माइनस वन। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2, ये हो गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ, ये हो जाएगा आपका आई एक्स वन कॉस एक्स और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा तो माइनस एक्स प्लस वन साइन एक्स और यहाँ पे हो जाएगा माइनस कॉस एक्स और माइनस आई साइन एक्स। अब इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी का मतलब जिस टर्म में आई हो, तो जिस टर्म में आई है एक तो इस टर्म में आई है और एक तो इस टर्म में आई है तो इसको ही लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा 1/2 और इसको लिख लेंगे एक्स प्लस वन कॉस एक्स और माइनस साइन एक्स, यही आपका पी आई है, यही चीज मैं बता रहा था। ऐसे ही अगर वहां पे कॉस एक्स होगा तो रियल पार्ट चलते हुए चलेगा, तो यहाँ पे जिस टर्म में आई नहीं है वो पार्ट लिख लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज, देयरफॉर कंप्लीट सॉल्यूशन इज y इज इक्वल टू दी सी एफ प्लस पी आई, यानी y इज इक्वल टू दी सी वन प्लस सी टू एक्स e टू दी पावर x और प्लस 1/2, ये हो जाएगा x प्लस वन cos x माइनस साइन एक्स, ये आपका आया है। तो देखिए पी आई देखिए सर, सर जहाँ पे x साइन x है वहां पे अगर x cos x हो जाएगा तो वो भी इसी तरह हाँ, से x होगा, cos x होगा तो यहाँ पे रियल पार्ट चलता है कि भाई x, तो ऐसे करते चले जाते हैं। यहाँ पे लास्ट में हम यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करते हैं ये चीज आती है, तो जिस टर्म में i मल्टीप्लाई, जिस टर्म में i नहीं है वो रियल पार्ट है, तो यहाँ पे वो लिख लेते, क्या लिखते हैं माइनस एक्स प्लस वन साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, बस यही होता है। फिर से देखिए इसमें क्या होता है कि अगर किसी में यहां पे फिफ्थ रूल वहां पे अप्लाई करते हैं जहां पे आपका एलजेब्रिक इंटू साइन एक्स होता है या एलजेब्रिक इंटू कॉस एक्स, सिर्फ दो ही फंक्शन के लिए है, तीसरा कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है।
तो अगर यहाँ पे x की पावर n साइन ए एक्स या x की पावर n कॉस ए एक्स है, इसके अलावा जैसे मान लेते हैं लिखा है x की पावर n साइन एक्स स्क्वायर और कॉस एक्स स्क्वायर, तब ये नहीं होगा, एंगल लीनियर होना चाहिए, ठीक है। एंगल जब या साइन ए एक्स प्लस बी भी हो सकता है, कॉस ए एक्स प्लस बी भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन होता यही है। तो अगर ये दो फंक्शन, उसके लिए अलग मेथड है, वो सब सारे सिक्स मेथड में आते हैं। तो अगर ये दो फंक्शन है x की पावर n sin ax या आपका x की पावर n cos ax है, तो उसके लिए काम क्या करते हैं कि हम sin ax और cos ax को जो है एक्सपोनेंशियल में रिड्यूस कर देते हैं। कैसे करते हैं? इस फार्मूले की मदद से। e की पावर i थीटा है तो इसको लिख सकते हैं cos थीटा प्लस i sin थीटा। तो cos थीटा क्या है? रियल पार्ट है e की पावर i थीटा का। sin थीटा क्या है? इमेजिनरी पार्ट है e की पावर i थीटा का। तो यहाँ पे i क्या है? 1 अपॉन f d x की पावर n sin ax। तो sin ax को लिख दिया इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर i x। अगर यहीं पे cos ax होता तो यहीं पे लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ e की पावर i x। फिर इसके अंदर अब हम काम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल और एल्जेब्रिक है तो हम एक्सपोनेंशियल को बाहर कर लेंगे बोथ मेथड के अकॉर्डिंग, और जहां जहां डी है वहां वहां डी प्लस आई ए कर देंगे। और आई ए क्या है? एक्स का जो कोफिशियंट है एक्सपोनेंशियल का वो। अब यहाँ पे